फर्म तथा उद्योग के अंतर को देखने के बाद एवं पूर्ण प्रतियोगिता देखने के बाद अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की साम्य अवस्था कौन सी है, इक्विलिब्रियम क्या है। कोई भी फर्म उस समय साम्य अवस्था प्राप्त करती है जब उसे उत्पादन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा उस उत्पादन की मात्रा पर वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। फर्म के साम्य को ज्ञात करने की दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहली है कुल आगम एवं कुल लागत विधि, दूसरी है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। पहली विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं, कुल आगम कुल लागत विधि। फर्म की साम्य अवस्था कुल आगम तथा कुल लागत विधि के माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। यह स्थिति निम्न शर्तों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। पहला, साम्य बिंदु अर्थात साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम तथा कुल लागत के मध्य दूरी अधिकतम हो। यह तभी संभव होगा जब कुल आगम तथा कुल लागत में परिवर्तन की दर समान हो। दूसरा, साम्य उत्पादन स्तर पर कुल आगम कुल लागत से अधिक हो या बराबर हो। जैसा कि ये बताया गया है कि उत्पादन के साथ साथ आगम भी समान दर से बढ़ता है। कुल आगम तथा कुल लागत विधि की हम बात कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी कुल लागत वक्र है। जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागत मिनिमम होती है, क्योंकि कुल स्थायी लागत के बराबर तो हमें भुगतना पड़ता है, पर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल लागत बढ़ती जाती है तथा फर्म का कुल आगम वक्र टोटल रेवेन्यू है। कुल आगम वक्र, इसमें कुल लागत में वृद्धि उत्पादन के नियमों के अनुसार होती है। प्रारंभ में उत्पादन वृद्धि नियम के अनुसार कुल लागत कम गति से बढ़ती है। उत्पादन के अनुकूलतम आकार के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम से तेज गति से बढ़ती है और ये जो सम विच्छेद बिंदु है जहां दोनों बराबर होती हैं, इस समय फर्म ने तो लाभ प्राप्त करती है और न ही उसे हानि उठानी पड़ती है। फर्म के कुल आगम तथा कुल लागत के मध्य अधिकतम दूरी, अधिकतम जहां अंतर है, यही वे बिंदु है जिस पर कुल आगम तथा कुल लागत का ढाल समान है किंतु फर्म का साम्य इस पर नहीं हो, फर्म का साम्य यहां नहीं होकर के दूसरी तरफ होगा, क्योंकि कुल उत्पादन स्तर पर कुल आगम कुल लागत से अधिक अथवा बराबर भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन स्तर पर तो फर्म को अधिकतम हानि है और उत्पादन स्तर पर फर्म साम्य में नहीं हो सकती है। अतः फर्म केवल और केवल उत्पादन स्तर पर ही साम्य अवस्था प्राप्त करेगी जहां उत्पादन स्तर पर कुल आगम तथा कुल लागत दूरी के बराबर अधिक है। यह है आपकी कुल लागत तथा कुल आगम विधि। दूसरी विधि है सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि से भी फर्म की साम्य अवस्था को स्पष्ट किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत फर्म उस समय साम्य अवस्था में होती है जबकि निम्न दो शर्तें पूरी हों। फर्म की साम्य अवस्था उस बिंदु पर होगी जबकि फर्म की सीमांत लागत इसकी सीमांत आगम के बराबर, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगी।
नंबर दो, सीमांत लागत वक्र साम्य बिंदु पर सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हो। यह महत्वपूर्ण है कि अगर वो वक्र नीचे से काटेगा तो ही फर्म का साम्य होगा, ऊपर से काटेगा वहाँ भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, लेकिन वहाँ पर हम अधिकतम लाभ की स्थिति में नहीं होते हैं, वो न्यूनतम हानि का बिंदु होता है। लेकिन जब मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटती है तो वो अधिकतम बिंदु होता है। यदि हम ये माने कि इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, यदि फर्म इसके बाद भी अपना उत्पादन करती है, अगर नीचे से मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट वक्र जो है काटता है, तो ये जो बिंदु है यहाँ फर्म को अधिकतम लाभ होगा, और जहाँ ऊपर से काटता है वहाँ न लाभ न हानि, न्यूनतम हानि यानि शून्य की अवस्था होगी। लेकिन ये साम्य अवस्था प्राप्त करने के बाद भी अगर उत्पादन बढ़ाती है तो फर्म की सीमांत लागत फर्म की सीमांत आगम से अधिक होगी, जिससे फर्म को हानि होगी। इस प्रकार ये फर्म के साम्य की बात हमने करी है, इसके अंतर्गत जो फर्म साम्य की स्थिति में आती है। लेकिन